टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहाँ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जिंदा कौमें हमेशा हरकत पर रहती हैं, जो कौम सो जाती है उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे मोहतरम पीएम साहब तशरीफ रखते हैं और मैं एक अच्छी आवाज़ और एक अच्छी फिक्र आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त अंजलि अमोल साहब तशरीफ रखते हैं। अभी इससे पहले वो आपसे बड़े गुफ्तगु थे, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगु आपके साथ कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि डीएम साहब की मौजूदगी में कुछ अच्छे शेर उनसे सुन लिए जाएं। इन चार मिसरों के साथ कि सीने में खुश्क झील का मंजर उतार दे, सीने में खुश्क झील का मंजर उतार दे, आंखों से आज आपका पैकर उतार दे। वो गुफ्तगु जो जहन में मुद्दत कैद है, उस गुफ्तगु को आज दमों पर उतार दे। तालियों की गूंज के इस्तकबाल में जनाब डीएम साहब। रहती नहीं है, सीधे आपसे मैं कविताओं से जुड़ता हूं। उस की कविताओं के लिए सरफ भाई जानते हैं, मैं जाना जाता हूं। सर दोस्तों इंकलाबी शायर हैं और बड़े इंकलाबी। सर बहुत सम्मान से मैं कहां से शुरू करूं? इस देश की बड़ी विषमताएं, बहुत विषमताएं हैं, विशेष आए इस देश में ऐसी भी कविताएं पढ़ी जाती है कि जिसको आप न सुन सकते हैं न आप समझ सकते हैं, लेकिन उन कविताओं से पूरा देश सज जाता है। आजादी हमको मिली बिना खड़क बिना ढाल के, ऐसे कविताएं पढ़ी जाती हैं। 7 लाख लोग शहीद हो गए और ये पढ़ा जाता है कि आजादी मुझको बिना खड़क और बिना ढाल के मिल गई। अगर आप तालियां देंगी तो मैं बात बताना चाहूंगा सब बातें कैसे हो जाती है। अशफाकुल्ला से लेकर लोग शहादत को प्राप्त हो जाते हैं और कविताएं यहाँ पर दी जाती हैं। आजादी मिली बिना खड़क बिना ढाल के। सुनिए क्या सुप्रिया सत्तम जी, आप लोग आएंगे श्रृंगार के से अच्छे से अच्छी कवित्री हैं, आप सुनाएंगी। मैं आपको देता हूँ पंक्तियां, लेखनी लिख नहीं सकी नौ पुष्पित पुष्प बहारों को। आतू साहब लेखनी लिख नहीं सकी नौ पुष्पित पुष्प बहारों को, आंखें देख नहीं सकी नौ विवाहिता के श्रृंगारों को। जब तक कार्यक्रम जारी है शहीद कपूर के विधवाओं का, तब तक कैसे लिखोगे पायल के मधुर झंकारों को, कैसे पायल के मधुर झंकारों को। मेरा अभिमत करता है, मेरा अभिमत करता है लूटरी पायल गुरु विधिया पर। सुनिए ने सुप्रिया जी, मेरा अभिमत करता है लूटरी पायल गुरु विधिया पर। मेरा भी मन करता है कालू प्री पायल गुरु बिलिया पर। मेरा भी मन करता है कालू मी फूलों की सुंदर सुंदर कलियों पर। जब वीर जवानों के सर झुका आते हैं सरहद से, तब कैसे पढ़ दूंगी वृंदावन की कलियों पर, तब कैसे पढ़ दूंगी वृंदावन की कलियों पर, तब कैसे पढ़ दूंगी वृंदावन की कलियों पर। इस देश की विषमता आप देखिए, शायर चलता है गजल बहुत अच्छी अच्छी आएगी, सतीश भाई आपको सुनाएंगे। मैं आपको आगे करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मेरा भी मन कर सकता है। मैं भी लिख दू कुछ मुक्तक छंदवा दो है, मैं भी लिख सकता हूँ कुछ मुक्तक छंदवा दो है गोरी के सुंदर सुंदर नैनों पर। मैं भी लिख सकता हूँ कुछ मुक्तक छंदो है गोरी के सुंदर सुंदर नैनों पर। दोहे व सोठे व कुंडलियां होंगे गोरी के सुंदर सुंदर कहनों पर, दोहे कुंडलियां व सोठे होंगे गोरी के सुंदर सुंदर कहनों पर। जब आती है हिमचक्र से हम मत्तप्पा की जल भरी आवाजें, तब कैसे पढ़ूंगी गजल और नब्जे, तब कैसे पढ़ूंगी गजल और नब्जे इन सुंदर सुंदर झरनों पर, तब कैसे पढ़ूंगी गजल और नब्जे इन सुंदर सुंदर झरनों पर, सुंदर सुंदर झरनों पर। मित्रों एक और शब्द लिख क्या सकता है, दहकती आग में पड़ा हूं, लिख क्या सकता हूं, पढ़ क्या सकता हूं, सुनिएगा। दहकती आग में पड़ा हूं राष्ट्रवाद के उन्माद का गान लिखता हूं, दहकती आग में पड़ा हूं राष्ट्रवाद के उन्माद का गान लिखता हूं। आर का पंथ हूं आर देश के भूगोल
रावण का जोश और होश मंत्र मुक्त हो जाए पायल की झंकार में, इनके लहू में भगत सिंह का हिंदुस्तान लिखता हो, इनके लहू में भगत सिंह का हिंदुस्तान लिखता हो, इनके लहू में भगत सिंह का हिंदुस्तान लिखता हो। संगीतियां बहुत है, हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कश्मीर एक छोटा सा बच्चा आज सुनिएगा, पांच मिनट का पाठ होगा, सुनिएगा। कश्मीर कह रहे थे कश्मीर के एक टुकड़ा नहीं देंगे। मैं सर पूछता हूँ कश्मीर कहाँ से हम देंगे, जिस देश के लोग सोते हो तो अपना चप्पल अपने सराहने रख के सोते हो, वो पड़ोसी देश कश्मीर की कैसी बात करता है। एक छोटा सा बच्चा है बिलावल भुट्टो जो अभी चल नहीं पाता है, वो कहता है उसको कश्मीर चाहिए। कश्मीर तो इंच में तुमको बेटा मिल नहीं पाएगा, यहाँ शौचालय का बड़ा लंबा बजट है मोदी जी का, तो लीटर में ले जाओ पानी तो यहाँ से खाली है, ले जाओ अपना काम आप चलाओ। मैं आपको पंक्तियां देखता हूँ, पत्थरबाजियां चल रही है मोदी, अभी परसों हासिल एक क्षेत्र जहाँ से पत्थर से बचाया गया और आतंकवादी भाग गए, उन पत्थरबाजों पर मैं आपको लिखता हूँ कि पत्थरबाजों के बयान में हो रहे समर्थन से मैं शर्मिंदा हूँ, पत्थरबाजों के बयान में हो रहे समर्थन से मैं शर्मिंदा हूँ, सेना के एक एक जवान का जग का मैं पुरिंदा हूँ, धार्मिक उन्माद फैला जब तुम करते हो पत्थरों के शहर में बना ले कभी का धार, अभी मैं जिंदा हूँ पत्थरों के शहर में बना ले कभी का धार, अभी मैं जिंदा हूँ पत्थरों के शहर में बना ले कभी का धार, मैं जिंदा हूँ। पंक्तियां मैं आपको देता हूँ, प्रमाण मांगा जाता है इस देश में, प्रमाण मांगा जाता है कि आप देश में भी हैं कि नहीं हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक एक लोगों से, एक दक्षिणा आपसे आज एक प्रतापगढ़ सेना का भी मांग रहा है, आपको दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। राष्ट्रहित के सम्मान में मैं आपसे एक प्रमाण मांगता हूं, देश रक्षा हेतु एक एक बूंद खून की घोषणा मांगता हूं, उठे हाथ शिखर के सम्मान के लिए, हमेशा बैठे लोगों से सत्य वंदे मातरम की दक्षिणा मांगता हूँ, सत्य वंदे मातरम से दक्षिणा मांगता हूँ, सत्य वंदे मातरम से दक्षिणा मांगता हूँ। खामोश लफ्जों को वंदे मातरम की बोलियों में तब्दील कर दूंगा, खामोश लफ्जों को वंदे मातरम की बोलियों में तब्दील कर दूंगा, बैठे लोगों को सिख साहबों के टोलियों में तब्दील कर दूंगा। अगर हिंदुस्तान के सम्मान में बधाई तालियां तो एक एक शब्दों को अपने गोलियों में तब्दील कर दूंगा, अपने एक एक शब्दों को गोलियों में तब्दील कर दूंगा। बहुत देर हो गया सर, 47 ज्यादा चले आ रहे हैं, कब तक सहेंगे, कब तक सहेंगे। माँ भारती है पुकारती हित की बड़ी सी सीर होनी चाहिए, माँ भारती है पुकारती हित की बड़ी सी सीर होनी चाहिए, यहाँ के बच्चों में अशफाक उल्ला और भगत सिंह की तस्वीर होनी चाहिए, यहाँ के बच्चों में अशफाक उल्ला और भगत सिंह की तस्वीर होनी चाहिए। अब तक के शहीदों के सम्मान में पाक अधिकृत कश्मीर नहीं, अब पूरा पूरा पाकिस्तान चाहिए, अब पूरा पूरा पाकिस्तान चाहिए, अब पूरा पूरा पाकिस्तान चाहिए। नेता बोल रहे हैं आपकी बात चल रहा है, चीन अलग बोल रहा है, डोकलाम कश्मीर होता जा रहा है, क्या हो रहा है देश में, और उससे सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। आतंकवाद का जवाबदेही से समाधान होना चाहिए, छब्बीस भाई आतंकवाद का जवाबदेही से समाधान होना चाहिए, पाक के सरजमी पर तिरंगे का निशान होना चाहिए, पाक के सरजमी पर तिरंगे का निशान होना चाहिए। बहुत हो चुका शांतिवार्ताओं का दौर, पाक से अलग अब नया देश बलूचिस्तान होना चाहिए, पाक से अलग नया देश बलूचिस्तान होना चाहिए। एक देश की 62 सबसे जीत गए हो, किसकी गलती थी मैं नहीं जानता हूं, किसका सम्मान था मैं नहीं जानता हूं। बना दो इनकी इसी धरा को कुछ क्षेत्र, तुम करो शांत ललकार, इनके अहंकार कब तक सुनेंगे हम।
इनके अहंकार कब तक सुनेंगे हम, इनके अहंकार कब तक सुनेंगे हम। मित्रों हम लोग कवि हैं, हम लोग किसी के समर्थन में काव्य पाठ नहीं कर सकते हैं। पंक्तियां कि नेताओं के पाखंडों पर ओले बरसाने हम आए हैं, नेताओं के पाखंडों पर ओले बरसाने हम आए हैं, राष्ट्र हित में बाड़ी से सोले बरसाने हम आए हैं, आजादी के प्रेम दीवानों के गीत हम सुनाएंगे, प्रहरी हूं मैं सीमा का गोले बरसाने हम आए हैं, प्रहरी हूं मैं सीमा का गोले बरसाने हम आए हैं, प्रहरी हूं मैं सीमा का गोले बरसाने हम आए हैं। एक कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, परसों दिल्ली आए थे, बीएसएफ आए, बीएसएफ आया संरोध है सर, सुनिए थोड़ा सा।